चाइना में लैंड करता हूँ गाइस, मेरा यूट्यूब काम करना बंद कर दिया, मेरा गूगल क्रोम काम करना बंद कर दिया। और ये क्या है भाई, ये ऑटो देखो यार, ये कैसा ऑटो है, सिंगल सीटर ऑटो, कुछ आवाज नहीं आ रहा, कुछ पोल्यूशन नहीं हो रहा, सारा इलेक्ट्रिक है भाई। एंड ये गाड़ियां भी सारी इलेक्ट्रिक है। यू बिलीव यार, 20-25 साल पहले पूरा ये शंघाई जो है वो एक गाँव हुआ करता था, ये जगह जो है अभी ऐसी हो चुकी है अभी। वेलकम टू माई चैनल एवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैन। एक स्वागत है आप लोग का मेरे अगले वीडियो में फ्रॉम वेरी न्यू सीरीज एंड ऑल्सो ए वेरी न्यू कंट्री। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं हूँ ताइपे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और यहाँ से जैसे आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुना, मैं अभी फ्लाई कर रहा हूँ अभी शंघाई चाइना के लिए। यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, कुछ अराउंड 2-3 साल के बाद ये कंट्री खुल रही है। पहली बात तो मैं इतना डरा हुआ हूँ क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, प्रोबेबली इंडिया के बाद जो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। रशिया तो किया था, बट रशिया एक्चुअली मैं पूरा रशिया ट्रैवल करने के मोटिव से नहीं गया था मैं। चाइना मेरा प्लान है कि मैं जितना भी कवर कर सकूँ उतना करूँ, एंड चाइना इतना बड़ा है कि भाई आई थिंक 1 महीना स्पेंड करने वाला हूँ मैं चाइना में, एंड आई थिंक मेरे लिए आई एम श्योर कि वो इनफ नहीं होने वाला है। बट फिलहाल भी देख सकते हो भाई, हमारे जो बोर्डिंग है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पे शंघाई के लिए। तो मेरा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है चाइना में शंघाई की, जो कि फ़िलहाल अभी हूँ ताइपे शंघाई, कुछ अराउंड 1-1.5 आवर की फ़्लाइट है, काफ़ी नज़दीक हूँ मैं अभी फ़िलहाल शंघाई के। अगर आप लोगों को मैं चाइनीज़ वीज़ा के बारे में बता दूँ गाइस, हमको इंडियंस को ऑफकोर्स चाइनीज़ वीज़ा लेना होता है, तो मैंने टूरिस्ट वीज़ा लिया हुआ है एंड जो कि मैंने अगेन न्यू दिल्ली से अप्लाई करा था। बहुत इजी प्रोसेस है, आई थिंक उनका चाइनीज़ वीज़ा सेंटर उन्होंने नया शुरू कराया है, वहाँ से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। इमरजेंसी में लोगे तो आज अप्लाई करोगे कल तक आपका वीज़ा आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा नहीं मांगते लोग, आई थिंक आप लोग नॉर्मल ट्रैवल आइटिनरी दे दोगे, बुकिंग होटल बुकिंग वगैरह दे दोगे तो आपको ईजिली जो चाइना वीज़ा है वो मिल जाएगा। सो गाइस, बोर्डिंग फॉर शंघाई चाइना। यार सही बता रहा हूँ, काफ़ी क्या बताऊँ मैं, थोड़ी मिक्स सी फीलिंग है, एक्साइटमेंट भी है और मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ इस चीज़ को, क्योंकि यार चाइना मेरे लिए फर्स्ट टाइम है और बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ चाइना जाने के लिए। लकीली अभी खुला है तो अभी जा सकते हैं हम लोग, ऐसे बता रहा हूँ। शंघाई को बस इसके पहले मूवीज़ और मतलब वीडियोज़ में देखे थे, पहली बार इन रियल लाइफ देखने वाला हूँ, आप लोग को भी दिखाने वाला हूँ कैसा है पूरा माहौल। और ये भाई हमारी एयरलाइन स्प्रिंग एयरलाइंस पहली बार, एंड चाइना में आप लोग ऐसे अजीबो गरीब काफ़ी एयरलाइंस देखने वाले हो। हेलो लकीली भाई, जो काउंटर में था उस भाई ने यार मेरे को विंडो सीट दे दी। दिन का टाइम पे बढ़िया होती है यार विंडो सीट, और रात का टाइम पे क्या ही दिखता है। आई थिंक इंडियन पूरे फ्लाइट में आई थिंक मैं ही हूँ, सारे जितने भी है चाइनीज़ एशियन शक्ल वाले हैं, एंड आई थिंक फॉरेनर एक दो दिखे मेरे को बट ज़्यादा नहीं है। आई थिंक मैक्सिमम लोग चाइनीज़ और ताइवानीज लोग ही हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, और ये लोकल एयरलाइन है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग ताइवान से ही ट्रैवल करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे शंघाई में लैंड करते हैं, मेरे को बहुत ही बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशन मिला। ये जो बगल में हमारे अंकल जी बैठे हैं, इनको जैसे इंटरनेट मिलता है ये अपना फ़ोन खोलते हैं और टिकटॉक खोलकर भाई स्क्रॉल किए जा रहे हैं। कुछ 10 मिनट वेट किया होगा हम लोगों ने, 10 मिनट में कम से कम 20-25 टिकटॉक वीडियोज़ दिए, तो इन्होंने देख ही ली बस बैठे बैठे। वेलकम टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना से मैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भी लैंड किया हूँ। दुनिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर इंडिया, एंड आई थिंक सेकेंड या फिर थर्ड मोस्ट बिगेस्ट कंट्री इन कंपैरिजन ऑफ साइज़ अगर बताऊँ, पहला रशिया है एंड दूसरा एंड तीसरा कनाडा एंड चाइना में काफ़ी नज़दीकी मामला है। दूसरा नहीं तो तीसरा आप लोग बोल सकते हो चाइना, जो कि दुनिया के बिगेस्ट कंट्रीज़ में से आती है एरिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ। अरे वाह गाइस, तो यहाँ पे यार बैगेज क्लेम के लिए लिटरली मेरे को ट्रेन पकड़नी पड़ रही है यार। नॉर्मली बैगेज क्लेम तो एयरपोर्ट पर ही होता है, बट यहाँ पे भाई बैगेज क्लेम तक पहुँचने के लिए ट्रेन लेना पड़ रहा है यार।
शंघाई एयरपोर्ट में। ये मैंने इसके पहले एक्सपीरियंस नहीं करा यार, कभी नॉर्मल है तो बैगेज यार एयरपोर्ट के बाहर ही मिल जाता है जैसे हम लैंड करते हैं। आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं गाइस, चाइना ने रिसेंटली जीरो कोविड डिक्लेयर करा है एंड जीरो कोविड डिक्लेयर करने के बाद ये जो चाइना की जो टूरिज्म है वो ओपन हुई है और जितने भी टूरिस्ट वीज़ाज हैं वो मतलब इन्होंने इशू करना शुरू किया है। लिटरली मुझे हर जगह बताया जा रहा है कि मुझे मास्क पहनना चाहिए, बट मैं काफ़ी सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वो मास्क पहन भी रहे हैं, थोड़े लोग नहीं भी पहन रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू चाइना यहाँ पर भी फिलहाल कोई कोविड नहीं है, बट जो असलियत है वो तो अभी हम मतलब चाइना में एंटर करने के बाद समझ पाएंगे कि असलियत में क्या है। गाइस तो फाइनली हमारा जो इमिग्रेशन है वो ख़त्म हो गया और हमको मिल गया भाई एंट्री स्टैम्प। एंड इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था गाइस, कोई सवाल नहीं करा। एक इनका अराइवल फॉर्म होता है वो भरना पड़ा मेरे को एंड होटल बुकिंग पूछा कहाँ पर रुकने वाले, और दैट्स इट, बस एंट्री स्टैम्प दे दिया और बोला कि वेलकम टू चाइना। यार सही बता रहा हूँ, इतना बड़ा एयरपोर्ट है यार और शंघाई में हूँ भाई मैं, चाइना में, पर एयरपोर्ट इतनी खाली खाली सी यार, समझ नहीं आ रहा कोई फ्लाई नहीं कर रहा है यहाँ पे शंघाई में, या फिर क्या चक्कर है, या फिर ऑफ टाइमिंग है भाई। ऑफ टाइमिंग भी हुआ तो भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो भीड़ हरदम होती है यार शंघाई जैसे जगह पे ऊपर से। बट क्या भाई देख सकते हो आप लोग पूरा माहौल यहाँ पे, पूरा एयरपोर्ट खाली ऐसा लग रहा है, बस अभी बस हमारी ही एयरलाइन आई है। मैं बैगेज क्लेम की तरफ गया था, बैगेज क्लेम पूरा खाली है भाई, बस हमारी एयरलाइन और एक और दो एयरलाइन थी यहाँ पे शंघाई में। क्या चक्कर है पता नहीं भाई मेरे को अभी। भाई फ़िलहाल हम लोग जितने भी यहाँ पे एयरपोर्ट में जैसे कोई नई कंट्री में अराइव करते हैं वो सारे काम हमने कंप्लीट करा, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी सिम कार्ड लिया एक चाइना में, क्योंकि यार वन मंथ के रुकने वाले तो मैंने यहीं पे चाइना सॉरी सिम ले लिया। कुछ अराउंड एक महीने का सिम कार्ड मैंने लिया, कुछ अराउंड 45 GB आई थिंक वो लोग मुझे इंटरनेट दे रहे हैं। तो चाइना में भी आप एंटर करते हो गए, सबसे पहले चीज़ आपको करनी है वो है भाई यहाँ पे एक VPN डाउनलोड करना है। जैसे मैं चाइना में लैंड करता हूँ गाइस, मेरा यूट्यूब काम करना बंद कर दिया, मेरा गूगल क्रोम काम करना बंद कर दिया, मेरा जो गूगल मैप्स है वो काम करना बंद कर दिया। एंड लिटरली ये सारे ऐप्स हैं जिससे हम लोग यार रोज़ मतलब गुजारा करते हैं और जहाँ पर ट्रैवल करते हैं लिटरली यही सारे ऐप्स यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर फिलहाल गूगल मैप्स काम नहीं कर रहा। मेरे पास दो फ़ोन है एक्चुअली, एक एंड्रॉयड फ़ोन है, एक एप्पल एक आईफोन यूज़ करता हूँ मैं, तो वो वाले एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ काम नहीं कर रहा। अभी मेरे आईफोन में मैं भाई जो एप्पल मैप्स है वो यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल मैप्स चल रहा है बट गूगल मैप्स नहीं चल रहा। और आपको अगर बता दूं गाइस, तो यहाँ पे चाइना में भाई VPN जो है वो भी इलीगल है। तो अगर आप लोग चाइना आ रहे हो तो मेक श्योर करना कि VPN ऑलरेडी डाउनलोड करके आना, और VPN यहाँ पे भाई फ्री वाले VPN काम नहीं करते भाई यहाँ पे, लिटरली पेड वर्जन बढ़िया वाला एकदम जो भी नाम किया हुआ VPN है वो जो फ्री वाले वो नहीं काम करेंगे भाई, जो पेड वाले वही सारे काम नहीं करते, क्योंकि भाई VPN के बिना तो आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते भाई। तो ये यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एयरपोर्ट में ATM, और यहाँ पे भाई हम लोग ट्राई करते हैं भाई पैसे निकालने का फर्स्ट टाइम इन चाइना। तो यहाँ पे देख सकते हो बैंक ऑफ कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, और देखते हैं भाई काफ़ी सारे लोग यहाँ से चले गए वापस, बोल रहे थे कि उनका कार्ड काम नहीं कर रहा, तो देखते हैं भाई मेरा कार्ड काम करता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे भाई पीछे कुछ 1000 yen निकाले, और ये देख लो भाई चाइनीज़ येन का जो करेंसी है आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है ताइवानीज़ करेंसी थी, बट कलर बताऊँ तो काफ़ी सिमिलर थी। बट ऑफकोर्स यहाँ पे ये जो पिक्चर है यहाँ पे इन साहब जी का, ये आपको चाइना करेंसी में देखने को मिल जाएगी। एक चाइनीज़ युआन अगर मैं कंपेयर करूँ तो कुछ 11 रुपये होता है। यहाँ पे मैंने जो ट्रेन टिकट है यहाँ पे वो यहाँ पे ख़रीदा गाइस, यहाँ पे आगे मशीन्स लगी हुई है यहाँ पे। यार क्या बोल रहे हैं स्पीकर में कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तो लकीली यहाँ पे एयरपोर्ट में तो शायद चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है, शहर में भी अगर ऐसे इंग्लिश में लिखी हुई रही चाहिए तो फिर यार बढ़िया हो जाएगी, अगर नहीं तो फिर यार भगवान जाने अभी कैसा रहेगा सफ़र। एंट्री तो मिल गई ट्रेन स्टेशन के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हो ईस्ट जूजिंग लिखा है यहाँ पे, ईस्ट जूजिंग, इसको ऐसे ही शायद प्रोनाउंस करेंगे पता नहीं कैसे। ये वाली ट्रेन लाइन हमको पकड़नी है भाई, ट्रेन तो आ चुकी है, भागो 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 भागो। ये है गाइस यहाँ पे शंघाई की मेट्रो एयरपोर्ट लाइन। तो यहाँ पे सारी ये लाइन है भाई देख सकते हो आप लोग, ये है पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो फिलहाल यहाँ पर हूँ मैं, और यहाँ से भाई हम लोग को उतरना है पीपल स्क्वायर में जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, और ये भाई कुछ अराउंड 1.5 आवर की जर्नी दिखा रही है।
now at Lu Jiazui. Doors were open on the left. Finally, हम लोग जो ये शंघाई मेट्रो स्टेशन जो पीपल प्लाजा है, पीपल प्लाजा जहाँ पर मुझे पहुँचना था वहाँ पे भाई हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये सारा भाई यहाँ पे माहौल है, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ शंघाई सिटी। एक्चुअली जो मेरा हॉस्टल है वो एग्जैक्टली सिटी सेंटर में है, तो आप लोग काफ़ी बढ़िया जो माहौल है वो देखने को मिलेगा। एंड कुछ अराउंड 1 घंटा 10 मिनट ये जो हमारी ट्रेन थी एयरपोर्ट से यहाँ तक काफ़ी लंबी थी, और इतना ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी बीच में यार मेट्रो में, क्या बताएं, चाइना है भाई, चाइना में तो भीड़ आप लोग देखोगे। बट मुझे पता नहीं यार, हर जगह रुक रुक के जा रही थी, मुझे लगा था कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस तो डायरेक्टली शायद वो सेंटर तक पहुँचा दे, बट नहीं भाई, हर जगह रुक रुक के 1 घंटा कुछ 10 मिनट लग गए भाई यहाँ तक सिटी सेंटर तक पहुँचने के लिए। और ये देख लो भाई, ये जो जगह है उसका नाम है नानजिंग रोड, और ये नानजिंग रोड के पास ही भाई पीपल्स प्लाजा में हमारा जो हॉस्टल है। और ये भाई देखो, ये भाई यहाँ पे माहौल है, काफ़ी सारी ग्रीनरी देखने को मिल रही है मेरे को, हर जगह पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे बड़े बड़े इमारतें। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे हर जगह इंग्लिश में लिखा है, तो आई थिंक मेरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या बात है यार, ये देखो यार, ये बस देखो आप लोग, ब्लू कलर की, काफ़ी कूल क्यूट क्यूट टाइप। और ये आई थिंक कुछ मॉल वगैरह होगा मेरे को लगता है, यहाँ पे सारे इतने ब्रांड से वो देख सकता हूँ मैं यहाँ पे। भाई हमारी फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ शंघाई चाइना, तो स्वागत है आप लोग का चाइना में। भाई फर्स्ट इम्प्रेशन अगर मैं बताओ और पूछो अगर, तो यार मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली वाइब आ रही है यार यहाँ पे शंघाई में। ये देख लो भाई आप लोग, मॉल देखो, एंट्रेंस ही भाई देखो आप लोग, भाई गजब सा एंट्रेंस है यहाँ पे। मुझे पता नहीं सारा शंघाई ऐसा है या फिर क्योंकि मैं सेंटर में आया हूँ अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पे ऐसा पूरा माहौल है। यहाँ पे आप लोग मैकडोनल्ड्स देख सकते हो। और ये क्या है भाई, ये ऑटो देखो यार, ये कैसा ऑटो है, अरे भाई साहब सिंगल सीटर ऑटो, ये ऑटो है क्या है भाई, सिंगल सीटर ऑटो भाई, यहाँ पे बस एक ही बंदा बैठा है देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे स्कूटीज देखो आप लोग यार, ये क्या चक्कर है भाई। तो यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हो मैकडोनल्ड्स देख सकते हो आप लोग, और वहाँ पे मैरियट होटल है, और ये सारा भाई पूरा मॉल है। कैन यू बिलीव यार, 20-25 साल पहले पूरा ये शंघाई जो है वो एक गांव हुआ करता था, लिटरली इसको गांव बोलते थे लोग। और 20-25 साल में भाई, मैक्सिमम 30 साल में ये जगह जो है अभी ऐसी हो चुकी है। अभी यार ये सारे मुझे पता नहीं यार, बड़ी फनी यार बच्चों वाले यहाँ पे सारे स्कूटर है, ये सारे देख सकते हो भाई, कितना छोटा सा स्कूटर। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि सारे इलेक्ट्रिक ही होंगे ये। एंड ये अगेन आप लोग देख सकते हो डिलीवरी करने वाले सारे ये स्कूटर्स भाई, टू व्हीलर सारी। अरे ऑटो बड़ा सही था यार, वैसा ऑटो मैंने कहीं नहीं देखा, सिंगल सीटर ऑटो एकदम, एक अकेला बंदा बैठ के चला रहा है। यहाँ पे सारे साइकिल्स और ई बाइक्स देख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली ये सारे ऐप वाले होंगे जिसको आई थिंक आप लोग रेंट वगैरह कर सकते हो अगर आपको करना हो। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेस में आओ देख सकते हो, ये सारे लोग यही बाइक चला रहे हैं, और कुछ आवाज़ नहीं आ रहा, कुछ पोल्यूशन नहीं हो रहा, सारा इलेक्ट्रिक है भाई। एंड ये गाड़ियाँ भी सारी इलेक्ट्रिक है गाड़ी, ये देखो ये स्कूटी देख लो भाई, समझ ही नहीं आ रही गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही, लिटरली इलेक्ट्रिक में कोई आवाज़ नहीं आ रही, चाहे कार देख लो, स्कूटी देख लो, ये देख लो ये कार, ये अगेन कार भी इलेक्ट्रिक है, ये स्कूटी भी इलेक्ट्रिक है, क्या बात है यार। यहाँ पे हर जगह आप लोग भाई ई बाइक्स वगैरह देख सकते हो, सारे लोगों ने ऐसे ही पार्क कर दिया भाई। एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इसको भी सीखेंगे भाई कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हमने यार हमारे हॉस्टल में चेक इन कर लिया, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हॉस्टल बोलूँगा यार, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ अराउंड 1000 से 1100 रुपये पे कर रहा हूँ मैं पर नाइट का, स्पेशली ऐसे एरिया में भाई। ये आप लोग पूरा एरिया देख लो आप लोग,
इतना बहुत ही ज़्यादा फैंसी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया लग रहा है यहाँ पे। थोड़े से बस आई थिंक 10 फीट दूर यहाँ पे आप लोगों ने दिखा था मैरियट होटल था यहाँ पे। अभी कुछ टाइम हो रहा है यहाँ पे 7:50 PM और यहाँ पे भाई सेम एज ताइवान जो शाम है वो बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ 6-6:30 बजे के अराउंड ही भाई यहाँ पे रात हो जाती है। एंड जो दिन शुरुआत जो होती है वो भी फिर जल्दी शुरुआत हो जाती है। डू यू नो इंग्लिश? नो। व्हाट यू हैव हियर फूड? नूडल्स, चिकन नूडल्स, चिकन चिकन। वेजिटेरियन? ओके। नो मीट। सॉरी। ओके। थैंक यू। तो यहाँ पे यार एक लोकल रेस्टोरेंट में आए थे यार, यहाँ पे चाइनीज़ में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो यार आप लोग, कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, लिटरली सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ पे लोगों को इंग्लिश आती भी नहीं है, ये कुछ बेच रहे हैं यार। मैं वो ऐसे कुछ खाने के लिए निकला था मैं रात को, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, क्या करें यहाँ पे, क्या खाएंगे अभी चाइना में पता नहीं कैसे गुजारा करेंगे। यहाँ पे और एक कुछ दुकान है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे अगेन शायद कुछ समझ आ जाए मेरे को, देखते भाई क्या खा रहे हैं यहाँ पे। हेलो, यू नो इंग्लिश? नो इंग्लिश। ओ बाप रे, अरे भाई ये तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे और एक जगह है, यहाँ पे देखते हैं भाई चंगशिंग स्नैक्स रेस कुछ लिखा है, यहाँ पे देखते हैं कुछ समझ आ जाए यहाँ पे अगर हमको। हेलो, यू नो इंग्लिश? नो इंग्लिश। व्हाट फूड यू हैव हियर? व्हाट फूड? तो यहाँ पे इन भाई को यार यहाँ पर मैंने किस तरीके से ट्रांसलेटर से मैंने समझाने की कोशिश करी कि भाई चिकन नूडल सूप दे दो मेरे को, बाकी का यहाँ पे यार क्या अजीब अजीब किस्म के खाना खा रहे हैं यार, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। बाकी का यहाँ पे देख सकते हो यार पूरा चाइनीज़ में लिखा है, एंड ये भी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। एंड यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो VPN है गाइस वो भी VPN ढंग से काम नहीं करता। मेरे जो आईफोन में फ़िलहाल VPN चला रहा हूँ वो ढंग से काम नहीं कर रहा, बस एंड्रॉयड में ढंग से काम कर रहा है। कभी कभार आईफोन में बढ़िया काम करता है, कभी एंड्रॉयड में काम नहीं करता यार। भाई इसको मैंने यहाँ पे चिकन नूडल सूप लाने के लिए कहा, तो ये काला काला चिकन कैसा है भाई यार, मुझे पता नहीं है चिकन ये क्या है ये। ब्रदर दिस चिकन? या चिकन? ओके। ओ ब्लैक चिकन? ओके। बट से बता रहा हूँ अगर आप लोग वेजिटेरियन होता आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत तो मतलब ये है कि जो लोकल स्टोर के खाना है, जो लोकल रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप लोग जाके खा नहीं सकते, ऑफकोर्स आपको कन्वीनियंस स्टोर जाके वहाँ पर ही खाना पड़ेगा, या तो फिर सबसे बेस्ट पार्ट या हॉस्टल ले लो और हॉस्टल में खाना अपना कुक करके खाओ अगर आप वेजिटेरियन हो। तो यहाँ पे ब्लैक चिकन का मतलब आई थिंक जो कड़कनाथ और ये अलग अलग किस्म के ब्रीड का चिकन होते हैं आई थिंक, तो वो शायद इसमें दिया है। ब्लैक चिकन नॉर्मली तो काफ़ी महंगा होता है यार चिकन। तो यहाँ पे भाई हम लोगों ने एक बढ़िया सा बड़ी वाली बाउल जो होती है उसका नूडल्स भाई चिकन नूडल्स जो ब्लैक चिकन नूडल्स इन्होंने दिया हमको वो खाया, कुछ अराउंड 20 yuan लिया। 20 yuan मतलब कितना भाई, कुछ अराउंड आई थिंक 220 रुपये के अराउंड। बट यहाँ पे इनका खाना देख लो भाई, यहाँ पे कुछ चिकन बना रहे हैं, चिकन के साथ अंडा वगैरह डालकर सॉसेज वगैरह डालकर क्या ही कुछ भरता बना दिया है। और यहाँ पे ये सारा खाना ये लोग यहाँ पे खाते हैं भाई, और यहाँ पे ये सारे मेनू जितने भी कुछ भी खा लो आप लोग आई थिंक 20 yuan से ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ 20 yuan के नीचे लग रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, उस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक काफ़ी बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट लगा मेरे को इतने बढ़िया एरिया में भी अगर बताऊँ आपको। तो ये गाइस यहाँ पर रात का माहौल जहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी शाम को लेके आया था, एंड रात में भाई ये सारे बिल्डिंग्स में इतने सारे EDM वो जो क्या होते हैं वो EDM लाइट्स वगैरह लगाकर इतना कूल बना दिया अभी सारा। और ये एरिया लग ही रहा है ये भाई मतलब चमकता धमकता काइंड ऑफ एरिया है भाई, ये सही में बता रहा हूँ शंघाई जो है, एंड डाउनटाउन है तो यार यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आप लोगों को माहौल बना हुआ मिलेगा ही। तो भाई नेक्स्ट वीडियो से हम लोग भाई जो शंघाई है और जो चाइना है उसको बढ़िया प्लान करके भाई एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। काफ़ी लंबा रुकना है भाई चाइना में, काफ़ी बड़ी कंट्री है और बहुत कुछ है यहाँ पे चाइना में करने को और आप लोगों को भी दिखाने को। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो यार दुनिया भर में हरदम चर्चे में रहती है और सभी को पता है यार कि लास्ट के 2-3 सालों में क्या हुआ है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना व्यूज़ का आपको वीडियो कैसा लगा, एंड शेयर करना गाइस। अंटिल देन खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश करिए, एंड आई विल मीट नेक्स्ट वीडियो।